इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर बायस और क्यू पॉइंट स्टेबलाइजेशन। तो दो प्रॉब्लम हैं ट्रांजिस्टर के साथ, एक तो ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरा एक और पैरामीटर है, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, एक और पैरामीटर है ट्रांजिस्टर के जैसे कि बीटा, ये यूनिट टू यूनिट वेरी करते हैं। यूनिट टू यूनिट वेरी करने का मतलब है, अगर सपोज़ करो कहीं हमारा एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, उसमें एक ट्रांजिस्टर है, और सपोज़ करो ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया है, ठीक है, तो जो उसकी बायसिंग सर्किट है पूरा वो उस पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए है। अगर हम दूसरा ट्रांजिस्टर, आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर, सेम मॉडल का ट्रांजिस्टर भी लगाते हैं तो क्यू पॉइंट इधर उधर शिफ्ट हो सकता है। उसका रीज़न है क्योंकि बीटा जो है वो यूनिट टू यूनिट वेरी करता है, कभी भी दो ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल नहीं होते, सबके जो बीटा हैं वो अलग अलग रहेंगे। वो अलग अलग रहने का रीज़न ये है कि जो इम्प्योरिटी लेवल है, जो सपोज़ करो अब इसके कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, बीजेटी कंस्ट्रक्शन पे, तो एमिटर, बेस और कलेक्टर, ये तीन रीजन है। तीन रीजन में हम ये मान के चलते हैं कि जो सिलिकन है 99.99 है ना, इतने परसेंट जो है वो प्योर है, पर बाकी की जो इम्प्योरिटी है वो हो सकती है, जो आपने पोर्शन लिया हो सिलिकन का उसमें डिफ्यूज़न कराने के लिए, उसमें इम्प्योरिटी आ जाए, ठीक। दूसरा रीज़न है कि जो डोपिंग लेवल है ना, तो डोपिंग लेवल हर एक अलग अलग, क्योंकि पीको सेकंड के अगर टाइम का भी फ्रैक्शन में रखें तो डोपिंग लेवल सबका वेरी करता है, तो डोपिंग लेवल वेरी करेगा तो बीटा की वैल्यू भी वेरी करेगी, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक हैं वो डोपिंग पे डिपेंड करती हैं सेमीकंडक्टर की। ये तो हमने उसमें फर्स्ट यूनिट में ही उसमें देखा है, जब हमने पीएन जंक्शन बनाया था, है ना, पीएन जंक्शन से पहले जब हमने इसको डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा कि अगर उसमें नंबर ऑफ जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड कराते हैं तो उससे कैसे कंडक्टिविटी चेंज होती है, ठीक है। तो किसी में अगर डोपिंग ज़्यादा हो रही है, किसी में थोड़ी कम हो रही है, तो वहाँ पर जो है जो कंडक्टिविटी का इशू है, यानी जो बीटा है ना, इस तरह का जो करंट गेन है वो हमारा वेरी करेगा, ठीक। तो अब ये दो प्रॉब्लम हैं, अब इनसे हमें निमटना है ना। तो सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम है टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में अब सपोज़ करो हमने, मैं एक बार इसको डायग्राम को बना देता हूँ वापस, तो ये हमारा NPN ज़्यादा छोटा हो गया, ये हमारा मीटर हो गया, ठीक, ये हमारा बेस हो गया और इधर वाला हो गया कलेक्टर। तो जो ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, तो ये जो जंक्शन है ये है कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो मूव करते हैं और इसमें आते हैं, ठीक, तो जैसे मैंने बताया 90 से अबव, यानी 95-98 जो परसेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिटर से इसको जो बेस रीजन को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाते हैं, कलेक्टर में पहुँच जाते हैं, ठीक है। और ये वाला जंक्शन जो है कॉमन बेस जंक्शन, ये हमारा रहता है रिवर्स बायस, तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये क्या होता है, इस जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है कलेक्टर बेस जंक्शन का। तो यही रीज़न है कि जो कलेक्टर है, जो रीजन है, इसको हमने बड़ा बनाते हैं जिससे कि जो हीट आए, सही है, तो वो क्या है, हीट जो है वो एक तरह से सिंक हो जाए एयर में, ठीक है ना। तो ये क्या रखे, ट्रांजिस्टर को ये कूल रखे, तो इसलिए इसका जो एरिया है बड़ा बनाते हैं। तो जब भी इधर से जाएंगे और वो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जो ये जो जंक्शन है इसकी हीट को इंक्रीज़ करते हैं, तो जब हीट इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो इसमें जो कलेक्टर, ये वाला जो है कलेक्टर बेस में, इसमें एक जो हमारा है ICBO लीकेज करंट, है ना, जैसे कि रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। तो जब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब है जो, अब इसको मैं एक बैक टू बैक समझा देता हूँ, तो टेम्परेचर ले लेते हैं हम टी, तो टी हमारा इंक्रीज़ हुआ, टी इंक्रीज़ हुआ कि जब भी हमारे एमिटर से जब भी इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, जो रिवर्स बायस वाला है ये, तो ये डिप्लेशन लेयर है, तो जब भी इससे क्रॉस करते हैं तो स्ट्राइक करते हुए जाते हैं, कोलिजन से हीट होती है, ठीक है। तो उस पार्ट में जब कोलिजन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हीट इंक्रीज़ होगी, हीट इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो लीकेज करंट है ना, ये जो हम कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखते हैं तो उसमें एक लीकेज करंट भी होता है, तो IC का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह का है, IC इक्वल्स टू
अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, वो हमने डिस्कस किया है सबसे पहले जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है ना। तो आई सी बी ओ की वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ होती जाती है ठीक है टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है डायोड का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर भी जो लीकेज करंट है वो भी रिवर्स करंट है ना, क्योंकि ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं हम इसको। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से आई सी बी ओ की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, आई सी बी ओ इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। आई सी बी ओ इंक्रीज़ होगा तो दूसरी इक्वेशन है आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी ठीक प्लस आई सी ओ, ये है कॉमन अमीटर की ठीक है। तो ये क्या इंक्रीज़ करेगा, आई सी बी ओ इंक्रीज़ होगा तो हमारा आई सी ओ इंक्रीज़ होगा, तो आई सी ई ओ इंक्रीज़ होगा। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए बता रहा हूँ, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर के लिए। तो आई सी बी ओ इंक्रीज़ होगा तब भी आई सी इंक्रीज़ होगा, और आई सी ई ओ इंक्रीज़ होगा तब भी आई सी इंक्रीज़ होगा। तो अब ये क्या होगा, आई सी हमारा इंक्रीज़ हो गया। आई सी इंक्रीज़ होगा क्योंकि जब आई सी के फ्लो होने से टेम्परेचर बढ़ रहा था तो आई सी इंक्रीज़ हुआ, तो आई सी इंक्रीज़ होगा तो फिर वापस क्या करेगा, ये टेम्परेचर को फिर इंक्रीज़ करेगा है ना। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा फिर वो आई सी बी ओ को इंक्रीज़ करेगा, फिर वो आई सी ओ को इंक्रीज़ करेगा, आई सी ओ इंक्रीज़ होगा तो आई सी फिर इंक्रीज़ होगी, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो ये सिक्वेंस जो प्रोसेस है, तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ ही होता जा रहा है ना। तो एक टाइम आएगा कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होते होते उस लेवल पे पहुँचेगा जहाँ आपका ट्रांजिस्टर बर्न हो जाएगा ठीक है। तो बर्न होने का मतलब है जितने भी यहाँ पर जो डोपिंग है, ये आपका एन है, ये आपका पी है, ये आपका एन है ठीक है। तो जो ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, एक्सट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी, ये सारा बन जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह ठीक। तो इस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल रन अवे ठीक है। तो इस तरह एंड सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहेगा ठीक। तो ये जो कम्युलेटिव प्रोसेस है, कम्युलेटिव जो इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, आई सी बी इंक्रीज़ हुआ, आई सी ओ इंक्रीज़ हुआ और आई सी इंक्रीज़ हुआ, और फिर उसके बाद टेम्परेचर अगेन इंक्रीज़ हुआ, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, फिर ये लीकेज करंट को इंक्रीज़ करेगा ठीक है। तो इस तरह ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। तो जो आई सी की वैल्यू अब इंक्रीज़ होती जा रही है, तो ये क्या होगा, अगर हम जाएं वापस लोड लाइन पे इधर ठीक, लोड लाइन पे सपोज़ करो हमने यहाँ पर हमारा क्यू पॉइंट हमने सेट किया था, पर जब भी उसको आई सी की वैल्यू है ना, जब भी इसको उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो आई सी की वैल्यू क्या हो रही है, इधर आई सी है, ये इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा ऊपर ठीक है। तो दूसरी ये प्रॉब्लम आ गई ठीक। तो आई सी की वैल्यू शिफ्ट हो गई, मतलब आई सी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, जो हमारा डी सी लेवल है ना, क्यू पॉइंट का, जो क्यू पॉइंट हमने सेट किया वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, ऊपर से हमारा ए सी सिग्नल है। तो ये क्या करेगा, जो बायसिंग है हमारी, जो हमने इसको सेंटर में रखा था, इस टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से ये किसकी तरफ जा रहा है, सेचुरेशन रीजन की तरफ जा रहा है ठीक है। तो सेचुरेशन की तरफ जाएगा तो जो भी हमने इनपुट सिग्नल दिया है वो हमारा सेचुरेट होना शुरू हो जाएगा जल्दी, सेचुरेट होगा तो जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसमें वो क्लिप होकर आएगी, वेव फॉर्म पॉजिटिव वेव फॉर्म जो है ठीक। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, ये जो कंटिन्यूस जो सिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस है, जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है और ठीक है, और ये कम्युलेटिव प्रोसेस है ठीक। तो ये क्या करेगा, ये इस ट्रांजिस्टर को बंद कर सकता है। तो जिस तरह ये हमारा जो पूरा जो सिक्वेंस है इवेंट की, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर जो ट्रांजिस्टर है वो टेम्परेचर से बर्न हो रहा है ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो सिक्वेंस है ये प्रोसेस की, इसको बोलते हैं थर्मल रन अवे ठीक है, थर्मल रन अवे। तो उससे बचने के लिए ट्रांजिस्टर पे यहाँ पर हीट सिंक लगाई जाती है। तो हीट सिंक एक एल्यूमिनियम की एक तरह से वो एक फिन टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है ठीक है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आए, और वो एयर कूल्ड टाइप का, जैसे इंजन होता है एयर कूल्ड बाइक का, ऐसे ही वो उस तरह की उसमें फ्रिंज टाइप की उसमें लगाते हैं ठीक है। और उसके साथ इसको जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको स्टक कर देते हैं, जैसे कि
एक हीट सिंक लगाते हैं हम अपने सीपीयू में, जो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप में है वहाँ पर एक हीट सिंक लगाते हैं। तो हीट सिंक में एक लिक्विड लगाते हैं उसके बीच में, उसको बोलते हैं पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और पेस्ट का उसका नाम मुझे नहीं पता है। तो ट्रांजिस्टर और उस हीट सिंक के बीच में उस पेस्ट को लगाते हैं, तो उसमें क्या है वो कंडक्टिविटी जो है हीट की वो मेंटेन रहती है। और एलुमिनियम की हीट सिंक होती है, तो हीट सिंक जब एयर के टच में आती है तो वो उसको कूल करती है और वो अल्टीमेटली कूल करता है इसको, ठीक है। तो एक तो ये मीडियम लगा, एक तो ये हम यूज़ करते हैं। एक दूसरा हम सर्किट में यूज़ करते हैं कि जो सर्किट है हमारा, ठीक है, वो ही ऐसा हो अगर टेम्परेचर से आईसी इंक्रीज हो तो वो फीडबैक सिस्टम से कुछ आईसी को वापस डिक्रीज़ करें, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले वाले के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, कि आईसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और फिर वो कम्युलेटिवली है ना इस तरह है, वो फिर वापस दोबारा लीकेज करंट को इंक्रीज़ करेगा, फिर आईसी इंक्रीज़ होगी, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और ये चलता रहेगा। अब इसमें बीटा का रोल समझो, अगर बीटा इंक्रीज़ हुआ, सपोज़ करो पहली यूनिट थी कोई, उसमें बीटा कुछ था, दूसरी यूनिट आई उसमें बीटा इंक्रीज़ हो गया, ये बीटा इंक्रीज़ होगा तो वो क्या करेगा, वो आईसी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन से आईसी इक्वल्स टू बीटा आई बी, ठीक। तो बीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हुई तो फिर आईसी की वैल्यू फिर इंक्रीज़ होगी, आईसी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, है ना। तो इस तरह का है, और जो है हमारा क्यू पॉइंट वो शिफ्ट होगा। अब बीटा की वैल्यू हो सकता है इंक्रीज़ होकर आए और हो सकता है डिक्रीज़ होकर आए। अगर डिक्रीज़ होकर आएगी तो आईसी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, इस केस में आईसी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा वो तो ठीक है, पर आईसी की वैल्यू जो डिक्रीज़ होगी ये क्यू पॉइंट अब कट ऑफ की तरफ जाएगा, ठीक है, तो रहना चाहिए था सेंटर में। तो बीटा की वैल्यू अगर रिड्यूस होकर आती है तो ये अब किधर जाएगा, कट ऑफ की तरफ, अब ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पर सेट हो गया इसका, ठीक है। तो अब अगर आप कोई इनपुट वेव फॉर्म दोगे तो जो उसका हमने लिमिट पहले यहाँ सेंटर में डिसाइड की थी, अगर उससे लिमिट में, अगर उस लिमिट में भी दोगे तब भी वो हमारा कट ऑफ में जाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है दोनों ही, यानी टेम्परेचर से और बीटा की वैल्यू वेरी करने से जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमारा सेंटर से अप या सेचुरेशन टुवार्ड द सेचुरेशन और टुवार्ड द कट ऑफ रीजन वो हमारा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि क्यू पॉइंट को हम यहाँ पर स्टेबल बनाएँ। तो उसके लिए अब हम सर्किट को देखेंगे, ठीक है, तो इसको यहीं रोकते हैं, चलिए।